हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज राकेश सोलंकी एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो A1 के अंदर हम देखेंगे SAP SD का पूरा टॉपिक, पूरा ट्रेनिंग हम आज वन बाय वन वीडियो के अंदर हम देखेंगे। आज का वीडियो है SAP SD ट्रेनिंग 1 पार्ट 1 एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या क्या करते हैं SAP SD के अंदर, जो मॉड्यूल है वो अंदर क्या क्या हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कंपनी कोड कैसे क्रिएट करते हैं, प्लांट कैसे क्रिएट करते हैं, प्लांट टू कंपनी कोड कैसे असाइन करते हैं, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे असाइन करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड कैसे हम अटैच करते हैं, ठीक है, कैसे असाइन करते हैं। ये पूरा वीडियो मैंने ट्रेनिंग के माध्यम ट्रेनिंग के लिए बनाया हुआ है। पूरा वीडियो एंड तक देखना और मेरा चैनल लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों। आज हम फर्स्ट टॉपिक में जाएंगे, डिफाइन कंपनी कोड इन SAP SD, ठीक है। कंपनी कोड कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने अपने FI के प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, हमने ऑलरेडी कंपनी कोड क्रिएट किया हुआ है 1000 का, वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जाना है SPRO में, सेफ रेफरेंस IMG, उसके बाद में जाना है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिफाइन कंपनी कोड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने ऑलरेडी 1000 टेक्निक्स ग्रुप एक टेस्ट के लिए हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। आपको नया क्रिएट करना है तो न्यू एंट्री करके आप नया भी कंपनी कोड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी दूसरा टॉपिक है डिफाइन प्लांट कैसे क्रिएट करते हैं SAP के अंदर, वो हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। बैक जाएंगे, ओके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन सा प्लांट था, SPRO, IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन, लॉजिस्टिक, ओके। लॉजिस्टिक जनरल के अंदर गए, डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट, ओके। डिफाइन प्लांट हम नया क्रिएट करेंगे, ठीक है दोस्तों। हमने ऑलरेडी दो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, 0610 0611, ठीक है दोस्तों। हमें नया कौन सा क्रिएट करना है, 0610 0612, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ओके दोस्तों। न्यू एंट्री करता हूँ, कौन सा करना है, ओके। यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ टेक्निक्स दिल्ली प्लांट करके एक में हम बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से एंटर कीजिए, आपको एड्रेस डालना हो तो एड्रेस भी डाल सकते हो, टेक्निक्स दिल्ली प्लांट, कोई भी आप लिख सकते हो टेक्निक्स दिल्ली प्लांट, ओके। यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैं कोई भी डाल सकता हूँ, कोई भी डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं सिंपली सेव कर दिया और यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है दोस्तों। वापस आ गया, ओके, उसका रिक्वेस्ट दिया, ओके। हम देखेंगे कि हमारा जो प्लांट क्रिएट किया था वो आया कि नहीं आया। डिफाइन प्लांट में जाऊँगा, मैंने यहाँ पे 0612 टेक्निक्स दिल्ली प्लांट हमारा हमने जो क्रिएट किया था अभी प्लांट 0612 वो ऑलरेडी हमने नया बना दिया, ठीक है दोस्तों। अभी थर्ड टॉपिक के अंदर हम देखेंगे असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, हमने कौन सा प्लांट बनाया 0612 और किसके साथ असाइन करना है 1000, जो हमारा एक टेस्ट का एक कंपनी कोड क्रिएट किया था उसके साथ हम क्या करेंगे, प्लांट असाइन करेंगे। अभी असाइन करना तो कहाँ जाना पड़ेगा, ओके, बाहर निकल जाते हैं, ओके। डेफिनेशन सिर्फ हमने क्रिएट कर दिया, अभी असाइनमेंट में जाना है, ठीक है। असाइनमेंट के अंदर कहाँ जाना है, एंटरप्राइज का असाइनमेंट, लॉजिस्टिक एंड जनरल, ठीक है। असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, ठीक है दोस्तों, ओके। यहाँ पे सिंपली न्यू एंट्री करना है, ओके। कंपनी कोड कौन सा था 1000, प्लांट कौन सा बनाया 0612, ओके। आ गया टेक्निक दिल्ली प्लांट, यहाँ पे सर एंटर मारी है, ओके, जस्ट सेव कीजिए, ओके। हमारा जो असाइन किया हुआ प्लांट आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी कोड और प्लांट, ठीक है दोस्तों। 1000 और 0612 हमने जो यहाँ पे क्रिएट किया था वो हमने क्या किया, पहले हमने प्लांट बनाया, प्लांट बनाने के बाद हमने कंपनी कोड के साथ इसको असाइन कर दिया, ठीक है दोस्तों। अभी हमारा फोर्थ टॉपिक कौन सा है, डिफाइंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। डिफाइंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करते हैं वो हम आप देखेंगे, ठीक है। डिफाइन करना है, ठीक है, हम बाहर निकल गए, असाइनमेंट बाहर गया, डेफिनेशन में गया, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे डिफाइन कॉपी डिलीट चेक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सिंपल क्लिक कीजिए,
डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ओके हमने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है पैक मटेरियल, अभी हम बनाएंगे 6020, ठीक है। यहाँ पे सिंपली न्यू एंट्री करना है 6020, यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्निक्स लूज मटेरियल, ठीक है दोस्तों। ओके थोड़ा स्पेस का थोड़ा इश्यू है, टेक्निक्स लूज एक तो सिंपल कर लिख देते लूज मटेरियल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये मैंने टिक कर दिया और कंपनी कोड में INR दे दिया इंडियन रुपीस, और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफॉल्ट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कैलेंडर होता है, जो फैक्ट्री कैलेंडर होता है वो बाय डिफॉल्ट हमने ले लिया, ठीक है दोस्त। रिबेट प्रोएक्टिव का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है रिबेट एग्रीमेंट इज ए स्पेशल एग्रीमेंट ग्रांटेड टू द कस्टमर ऑन ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सेल्स ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसका हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, टिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, ओके। यहाँ पे पूरा आपको डालना हो तो डाल सकते हो, यहाँ पे एड्रेस लिख दिया सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे, ओके 25 दे दिया, ठीक है ओके। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, ठीक है ओके, डेटा वॉज सेव्ड, ठीक है। आगे हम वापस जाके देखेंगे डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 6010 पैक मटेरियल का बनाया, हम अभी भी देखेंगे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, देखो 6020 हमने बनाया, 6010 पैक मटेरियल का है, 6020 लूज मटेरियल का है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने चार टॉपिक ऑलरेडी देख लिए, कंपनी कोड हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्रिएट किया हुआ है, दूसरा डिफाइन प्लांट कैसे क्रिएट किया हमने देखा, असाइन प्लांट टू कंपनी कोड भी देख लिया, डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया। अभी हमको क्या करना है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू को कनेक्ट करना है कंपनी कोड के साथ। वापस आएंगे डेफिनेशन असाइनमेंट, असाइनमेंट के अंदर क्या करेंगे, करेंगे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को सेल्स असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, ठीक है। देखो यहाँ पे आएगा 6020 लेकिन कंपनी कोड असाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1000 टेक्निक्स जो हमारे टेस्ट कंपनी बनाए थे उनको हमने उन्हें क्या किया असाइन कर दिया, ठीक है दोस्तों 100 ओके। यहाँ पे सिंपल सेव बनेगा, सेव कर दिया हमने, क्या किया 5 टॉपिक आ जैसे पी एस डी का हमने एंटरप्राइज जो स्ट्रक्चर है वो हमने पहला वीडियो में क्रिएट किया, हमारा दूसरा वीडियो भी देखना, पूरा एस ए वी का अप टू एंड पूरा कॉम्प्लिकेशन पार्ट है दोस्तों, पूरा सीखना। वीडियो 1 के अंदर हमने आज देखा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने डिफाइन कंपनी कोड कैसे क्रिएट करते हैं, डिफाइन प्लांट कैसे क्रिएट करते हैं, असाइन प्लांट टू कंपनी कोड कैसे क्रिएट करते हैं, और डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करते हैं, और असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है दोस्तों। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट एंड मॉनिटरिंग सेल्स, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन सेल एंड स्ट्रेटेजी विच आर टू बी एजुकेटेड टू गेन ऑफ मार्केट से, ओके दोस्तों। और उसके हम शॉर्टकट के थ्रू जाएंगे, OX02 का मीनिंग होता है कंपनी कोड कैसे क्रिएट करते हैं, OX02 ओके दोस्तों 1000 आ गया, स्लैश एंटर के बाहर जाएंगे OX10 कैसे प्लान कैसे क्रिएट करते हैं, वो लॉन्ग पाथ था ये शॉर्ट पाथ, ठीक है दोस्तों। OX16 ठीक है दोस्तों, OX16 में हमने क्या किया था प्लांट बनाया था, ठीक है हमने OX16 के अंदर क्या किया था प्लांट बनाया था, ठीक है दोस्तों। प्लांट टू कंपनी कोड क्रिएट करते हैं, और OVX5 के अंदर क्या किया था हमने, जस्ट सेकेंड, OVX5 हमने क्या किया था सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया था दो मटेरियल का, पैक मटेरियल लूज मटेरियल, हमने 6020 का लूज मटेरियल हमने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। अभी क्या क्या किया था नेक्स्ट टॉपिक में अंदर, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड के बीम लिंक किया था OVX6 ओके OVX6 सिंपली क्रिएट किया था, अभी उसको डायरेक्ट में जाना है तो भी जा सकते हो, OVX6 एंटरप्राइज स्ट्रक्चर असाइनमेंट सेल्स और असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, ठीक है दोस्तों। 6020 1000 टेक्निक्स दोनों
सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंपनी कोड के साथ कनेक्ट हो गए और कंपनी कोड जो प्लांट बनाया था वो कंपनी कोड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, आज का पूरा वीडियो के अंदर हमने देखा 5 टॉपिक्स देखे, पूरा वीडियो कॉन्फ़िगरेशन वीडियो है, ट्रेनिंग के लिए बनाया हुआ है, आप देखना और सीखना और मेरा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।